सादर नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्र आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, गुप्त नवरात्रि का विषय हमारा आज का, जो आप जानते हैं कि बहुत जल्द शुरू होने वाला है, यानी अगले महीने 6 जुलाई से शुरू होने वाला है। आज बात करेंगे कि हमें इस नवरात्रि में किस तरह से पूजा करनी है, किस तरह से साधना करनी है, किस तरह से जप करना है। आप ये भी जरूर जानते होंगे कि जो सनातन धर्म का उद्देश्य है, सनातन धर्म की विशेषता है, वो पर्व और त्योहारों से। दर्शकों, पर्व और त्योहारों के ऊपर सब कुछ जुड़ा होता है, सारे उत्सव मनाए जाते हैं और ये उत्सव या त्यौहार या पर्व मनाए जाते हैं, सब प्रकृति की पूजा है। प्रकृति की पूजा है, कुछ ना कुछ विशेष हर पर्व में होता है, हर त्यौहार में होता है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है। आप जानते हैं कि चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ। तो चैत्र नवरात्र और आश्विन ये हैं दो महोत्सव के रूप में, और दो नवरात्र जो और हैं, यानी आषाढ़ का महीना और माघ का महीना, ये दोनों गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं। साल भर में आप देखते हैं ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव पूरी सृष्टि में पड़ता है। सूर्य के राशि परिवर्तन का फल भी इससे जुड़ा होता है, जिसका प्रभाव ज्योतिष के अनुसार समझा जा सकता है। ऋतु परिवर्तन का प्रभाव मानसिक रूप से हमारे ऊपर बहुत अधिक देखा जाता है। इसका इस समय ध्यान और उपासना करने के लिए सबसे उत्तम समय होता है ऋतु परिवर्तन में। इसके प्रभाव से हमें मानसिक, बौद्धिक और ज्ञान आदि बल मिलते हैं। गुप्त नवरात्रि में मुख्यतः जो 10 महाविद्या हैं उनकी पूजा की जाती है। वो कौन कौन है? महाकाली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी, कमला। इस तरह से 10 महाविद्या है। 10 महाविद्या की पूजा इसमें होती है, और 10 महाविद्या जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर देती हैं। जैसे उनका प्रभाव जब होता है तो चाहे कर्ज हो रहा हो, शत्रु बाधा हो रही हो, रोजगार में दिक्कत आ रही हो, विद्या प्राप्ति में कहीं दिक्कत है, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, संतान जीवन में, भूत प्रेत जैसी बाधाओं को भी ये देवियां तत्काल दूर भगाती हैं, नष्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि जो है गुप्त नवरात्रि कब है। इसके मैंने आपको बताया कि साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, तो इस बार जो गुप्त नवरात्रि का आगमन हो रहा है वो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से, यानी 6 जुलाई 2024 से होने वाला है। इस गुप्त नवरात्रि आपके जीवन से हर समस्या का समाधान हो, ये मेरा प्रयास है कि आप नियम को समझें, जानें और करें। गुप्त नवरात्रि में अन्य नवरात्रि की तरह ही कलश स्थापना की जाती है, माँ भगवती की पूजा करते हैं, अपने कुल देवी या आराध्य देवी की पूजा भी होती है। पूजा का फल हमें अच्छा मिले उसके लिए हम नियम और विधि का उपयोग करते हैं कि किस तरीके से हमें करें। तो कलश स्थापना को विधि विधान से, यानी कलश के नीचे अनाज रख करके, कोई सतरंजा हो या गेहूं हो या चावल भी आप रख सकते हैं, जौ रख सकते हैं। कलश में दूर्वा, सर्वौषधि, पंचरतन, हल्दी की 5 गांठें, चांदी का सिक्का या फिर कोई और सिक्का, कौड़ी, ये सब जो है फूल, ये सब सामान आप अंदर कलश के अंदर डालते हैं मंत्रों के माध्यम से। और उसके बाद में पंच पल्लव लगा करके, पंच पल्लव क्या होता है, आम, बरगद, गूलर, पाकड़, पीपल आदि, ये पंच पल्लव हैं, इनको लगा करके और ऊपर जो उसका ढक्कन होता है वो रख देते हैं, और ढक्कन में भी कुछ सामान रखते हैं जैसे कि गेहूं या चावल, पूर्ण पात्र कहा जाता है इसको, उस पर नारियल पर कपड़ा लपेट करके ये रखते हैं। ये व्यवस्था है कलश स्थापना की, और कलश में भी स्वास्तिक आदि बनाते हैं, उनका पूजन करते हैं और देवी की स्थापना करते हैं किसी पाटे पर, यानी चौकी पर स्थापना करके उनका भी विधि विधान से पूजन करते हैं। और पूजन सामग्री जो भी सामग्री है, अगर मूर्ति धातु की है तो उस तरीके से उनको स्नान कराएं, और मूर्ति मिट्टी आदि की है तो बहुत सावधानी से उनकी पूजा करें। दीप दान किया जाता है, आसन लाल रंग का हो, रेशमी हो या जो है ऊनी आसन हो, इसका ध्यान रखा जाता है। कंबल का आसन हो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा माना जाता है। इस तरीके से माँ की पूजा आराधना आप करें, बड़े भाव से माला का जप करें, पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, देवी पुराण का पाठ कर सकते हैं, देवी के मंत्रों का जो नवाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का आप 108 बार या 1008 बार जप कर सकते हैं, आपके अच्छा रहेगा, कल्याणकारी रहता है। और 10 महाविद्या में किसी एक की या दसों की पूजा आप बहुत श्रद्धा भाव से, नियम संयम से, पवित्रता को देखते हुए, किसी की चीज़ें न खाना, बाड़ी का ध्यान रखना, कोई बातें ऐसी नहीं करनी है, किसी की बुराई हो, चुंगली हो, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, यानी अवगुणों से बचना है, अवगुण को, गुण का प्रदर्शन करना है, गुण को बढ़ाना है,
ऐसा करते हुए आप देवी की उपासना करें, मुझे पूरा विश्वास है कि उपासना करके आप अपने कर्मों को और अच्छा बना सकते हैं, कामनाओं को बढ़ा सकते हैं, कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो आप जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पूजा को करके कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपने इस विषय को सुना और कितना पूरा किया। मैं इसके लिए प्रतीक्षा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरुजी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।